सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें रेगुलर अपडेट्स के लिए। नमस्कार, मैं सोनाली आपका स्वागत करती हूँ मेरे अपने चैनल पे फिटनेस एंड मदरहुड। आज हम बात करेंगे बेबीज गैस रिलीफ के बारे में। गैस रिलीफ के लिए मैं आपको कुछ होम रेमेडीज बताऊंगी। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें इस तरह की वीडियोस के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि बेबीज को गैस कैसे होता है। बेबीज को गैस दो तरीकों से होता है। फर्स्ट, जब मदर जो होती है कुछ गैसी टाइप का खा लेती है, तब क्योंकि जो भी मदर खाती है तो वो डायरेक्टली बेबी को मिल्क के थ्रू अफेक्ट करता है फर्स्ट। सेकंड, बेबी जब दूध पी रहा होता है, फीडिंग जब चल रही होती है बेबी की, तो बेबी जब फीड करता है तो उसके मुंह से हल्की हल्की हवा जाती है पेट में, तो ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से बेबी को गैस डेवलप हो जाता है पेट में। सो ये दो वजह से बेबी को गैस होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कुछ होम रेमेडीज जिससे बेबी का गैस रिलीफ होने में बहुत मदद हो जाती है। सबसे पहला जो है वो एवरी डॉक्टर रेकमेंड करता है, या फिर ये ऑलमोस्ट कंपल्सरी प्रोसेस है, जब आप बेबी को फीड कर देते हैं तो वो फीडिंग के 1-2 मिनट बाद आपको बेबी को शोल्डर पे इस तरह कैरी करके बेबी को डकार दिलाना होता है, बर्व कराना होता है बेबी को। बर्व कराने के भी दो तरीके हैं, जैसे आप बेबी को शोल्डर पे रख के बर्व करा सकते हैं, या फिर बेबी अगर एकदम छोटा है तो आपको शोल्डर पे ही रख के बेबी को बर्व कराना है। जैसे बेबी 3 महीने का 4 महीने का कुछ हो जाता है तो बेबी हल्का बैठना सीख जाता है, तो आप बेबी को लैप पे बिठा के थोड़ा बर्व करा सकते हैं। तो फर्स्ट आप बेबी को बर्व करा आप बेबी को बर्व करवा सकते हैं गैस रिलीफ के लिए। सेकेंड, आप बेबी को टमी टाइम दे सकते हैं। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है, टमी टाइम देना बेबी को बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर टमी टाइम के बारे में आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको आई बटन अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, टमी टाइम का पूरा वीडियो आपको दिख जाएगा। सो टमी टाइम जब आप बेबी को देते हैं तभी जो बेबी का गैस बहुत अच्छी तरह से रिलीज हो जाता है। थर्ड, आप बेबी को मसाज दे सकते हैं। जब भी आप बॉडी मसाज देते हैं बेबी को, तो तभी आप बेबी को प्रॉपरली पेट में अच्छी तरह से मसाज कीजिए। आप ऑयल लगा के क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज बेबी को इस तरह से आप पेट में आप घुमाइए, या फिर प्रेशर दीजिए, हल्का हल्का प्रेशर दीजिए, हल्का हल्का गोल 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 मसाज कीजिए। और रेगुलर अगर आप मालिश दिन में एक बार करते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि बेबी को गैस की कोई समस्या है, या आपको लग रहा है बेबी थोड़ा क्रैंकी है, थोड़ा गैसी अगर हो रहा है, बेबी छोटा छोटा फार्ट कर रहा है, तो फिर आप सिर्फ नॉर्मली आप सिर्फ थोड़ा सा पेट पर हल्का 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 प्रेशर दे सकते हैं, उससे भी बेबी का गैस रिलीफ हो जाता है। मीन्स आप पेट में स्पेशली मसाज दे सकते हो उन्हें 2 या 3 बार, जैसे भी आपको कन्वीनियंट लग रहा हो। सो पेट में आप हल्का मसाज कीजिए, और आप रेगुलर जो बॉडी मसाज कर रहे हैं तभी तो आपको पेट में मसाज करना ही है, उससे बेबी को बहुत अच्छी तरह से गैस रिलीफ हो जाएगा। फोर्थ, मैं आपको बताऊंगी कि आप अजवाइन जो होती है, अजवाइन को आप सेक ले अच्छी तरह से, फिर एक पोटली में उसको बांध ले, भर के बांध ले, जैसे कि ये हम लोग यूज करते हैं। सो इस तरह आप अजवाइन को सेकने के बाद एक पोटली में बांध ले, फिर इस पोटली से आप अपने बेबी का पेट सेक सकते हैं। सो इससे भी आपको बहुत फायदा हो जाएगा, आपके बेबी का गैस डेफिनेटली रिलीज हो जाता है। फिफ्थ, आप हींग लगा सकते हैं। जो हींग रहता है, नॉर्मली एवरी किचन में हींग अवेलेबल रहता है, तो हींग लेना चाहिए आपको। और हींग जो रहता है, थोड़ा सा हींग लेके आपको बेबी के नाभि पे उसे लगाना है, ज्यादा नहीं लेना, थोड़ा सा ही लेना है, काफी कम। आप सूखा हींग भी लगा सकते हैं बेबी के नाभि पर, अदरवाइज आप कोकोनट ऑयल को हल्का सा आप गर्म कीजिए, उसके अंदर हींग डालिए, और फिर आप बेबी के नाभि पर लगा सकते हैं, इससे बेबी का गैस रिलीफ होने में बहुत मदद मिलती है। सिक्स, अगर रेगुलर से आपका बेबी थोड़ा ज्यादा रो रहा है, पैर जो पेट के पास लेके ज्यादा क्रैंकी हो रहा है, थोड़ा रेगुलर से ज्यादा रो रहा है, तभी आप ग्राइव पोटर यूज कर सकते हैं बेबी को। इससे बेबी का गैस रिलीफ अच्छे से हो जाता है। बेबी को पेट में अगर कोई प्रॉब्लम लग रही है, पेट में अगर बेबी की खिंचाव हो रहा है, या पेट में बेबी को कोई भी टाइप की थोड़ी बहुत तकलीफ है, तो ग्राइंड पाउडर से बेबी का बहुत अच्छा फायदा हो जाता है, गैस रिलीफ हो जाता है, पेट दर्द जो रहता है वो भी काफी हद तक कम हो जाता है बेबी का। ये सारी जानकारी मैंने आपको मेरे एक्सपीरियंस से बताई है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और जो मैंने आपको गैस के बारे में बताया है डिटेल में,
इसके अलावा भी अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस है तो आप मुझे कमेंट